हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अप नोटिफिकेशन लाइट। आपके फ़ोन में तीन तरह की नोटिफिकेशन लाइट दिया गया है जिन्हें आप अपने पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, एज लाइटिंग। सबसे पहले फ़ोन सेटिंग्स ओपन करें। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करना है एज लाइटिंग। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग्स पर चले जाएंगे। नेक्स्ट एज लाइटिंग स्टाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये नॉन सेट रहते हैं। इनकमिंग नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हैं। जब आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगा ऐसे एक शानदार लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज होता है। बाय डिफॉल्ट ऑटो कलर सेट रहते हैं। अब इसे चेंज करके अपना पसंदीदा कोई भी कलर रख सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद डन करें। इसके बाद शो इवन व्हाइल स्क्रीन इज ऑफ सेटिंग्स को ऑन रखें। इससे क्या होगा, स्क्रीन लाइट ऑफ हो या ऑन, इस तरह कलरफुल लाइट इफेक्ट नोटिफिकेशन आते ही दिख जाएगा। नंबर टू, कैमरा फ्लैश लाइट। दोस्तों फ़ोन के पीछे जो कैमरा फ्लैश लाइट दिया गया है उसको भी नोटिफिकेशन लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स के अंदर फाइंड करें कैमरा फ्लैश। अब इस इंस्ट्रक्शन में जाके कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लैश लाइट वाला फीचर्स सभी ऐप की नोटिफिकेशन के लिए सेट रहते हैं। जिस एप्लीकेशन के लिए रखना चाहते हैं उसे छोड़ के बाकी सबका परमिशन ऑफ कर सकते हैं। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा पीछे फ्लैश लाइट ब्लिंक करके आपको अलर्ट करेगा। नंबर थ्री, कलरफुल नोटिफिकेशन लाइट। दोस्तों पहला दो फीचर्स ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन फ़ोन कैमरे के आसपास जो LED कलरफुल लाइट ब्लिंक कर रहा है इसे एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। लाइट अप योर गैलेक्सी, यहाँ नेक्स्ट दबाइए। ऐप सेटअप करने से पहले कुछ कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। सिलेक्ट ऐप्स, जिस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन लाइट आपको देखना है उसका परमिशन टर्न ऑन कर दीजिए। हमने मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मैसेज, फोन एंड व्हाट्सएप का परमिशन अलाउ कर दिया। इसके बाद नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ करके AOD Notify का नोटिफिकेशन एक्सेस टर्न ऑन कर दीजिए। चेंज सेटिंग्स, इस पे टैप करके स्टॉप बैटरी ऑप्टिमाइजिंग अलाउ करना है। फिर चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करके AOD Notify टर्न ऑन कर दीजिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को शो ऑलवेज सेट करना है। नेक्स्ट ड्रॉ ऑन स्क्रीन, इस पे क्लिक करके इंस्टॉल ऐप में जाइए। इसके बाद AOD Notify को टर्न ऑन कर दीजिए। दोस्तों सभी परमिशन अलाउ करने के बाद डन करें। इसकी होम पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप नोटिफिकेशन लाइट को हम कस्टमाइज करेंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन टैब ओपन कीजिए। AOD Notify आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, इसे अलाउ करें। ऐप्स, यहाँ से किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन लाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी में जाके फुल चार्ज, फोन चार्जिंग लाइट और लो बैटरी लाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फोन अनलॉक्ड, जब फोन अनलॉक रहेगा बैटरी सेव करने के लिए नोटिफिकेशन लाइट ऑफ रख सकते हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन लाइट टैब ओपन कीजिए। स्टाइल, नोटिफिकेशन लाइट आपको कैमरे के आसपास चाहिए या फुल स्क्रीन में चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैमरा एज सेट रखिए, इसमें बैटरी भी सेव होगा। इफेक्ट, यहाँ कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा लेकिन इनमें से केवल तीन इफेक्ट फ्री में यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन, अलग अलग डिवाइस में इसका वैल्यू चेंज होता है, यहाँ कैमरा सेप के हिसाब से नोटिफिकेशन लाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाइए, रिसाइज वैल्यू चेंज करके इसका सेप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद एक्स पोजीशन 0 एंड वाई पोजीशन -40 सेट कीजिए। वाई वैल्यू चेंज करके इसका पोजीशन ऊपर नीच कर सकते हैं। रिंग लाइट कैमरे के आसपास सेट हो गया है। डिस्प्ले टाइम, एक नोटिफिकेशन आने के बाद नोटिफिकेशन लाइट कितने समय तक जलेगा, यहाँ मैक्सिमम 5 मिनट तक फ्री में रख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ कलर टैब ओपन कीजिए। यहाँ से नोटिफिकेशन कलर चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर पर टैप करके अपना फेवरेट कलर चूज कीजिए। दोस्तों इसकी प्राइम फीचर्स में और भी कई सारे कस्टमाइजेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर सेट करना एटसेट्रा। फिलहाल नोटिफिकेशन लाइट सेटअप हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ रहेगा और कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह एक कलरफुल लाइट कैमरे के आसपास दिखाई देगा। स्क्रीन अनलॉक करके नोटिफिकेशन रिमूव करते ही ये लाइट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो इन तीनों नोटिफिकेशन लाइट फीचर्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों में से आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था।
इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूल।